would you please make your way to the front of the... गुड मॉर्निंग एवरीवन. सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ मैनचेस्टर. जो ट्रेन आने वाली है उसमें ऑलरेडी मेरी मैनेजर्स होंगी और ट्रेन आ गई है तो आपसे पता नहीं कब मिलेंगे. आप You'll become a police? Yeah. Okay. Now we 14. Good morning, everyone. How pass? We need an ambulance car. Duty pe hu aaj main. That is spider. Dugga subah subah nikli thi. Please. Usko Manchester jana tha. Usko Manchester jana tha, wo nikal gayi hai. Maine abhi bhi Keechu ka tiffin banaya bas. All right, तो अभी को छोड़ दिया गया है नर्सरी. अब चलते हैं घर. मेरा ना कुछ सीन बन रहा था वापस आज बर्मिंघम जाने का. तो अभी तो वैसे 8:30 बजे हैं. मैं अभी भी निकलता हूँ अगर थोड़ी देर में तो नर्सरी ख़त्म होने से पहले वापस आ जाऊँगा. बट स्टिल आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी मीटिंग रीशेड्यूल हो जाए टू अ लेटर डेट, मे बी मंडे. मैं अभी अपनी कॉल ख़त्म करके नीचे आया हूँ. फिलहाल किचन में हो रही है तैयारी नाश्ते की. कलाकार लगे हुए हैं. अच्छा, ब्रेड बनाने के लिए भी मैं चीज़ टोस्ट ही बना रहा था. कह रहा रुको मैं इसको थोड़ा बढ़िया तरीके से बनाता हूँ. तो भाई कर रहा है कुछ यहाँ अंडे उबल रहे हैं. ये मेरी ग्रीन टी. जी हाँ, ग्रीन टी, सही देखा आपने. नाश्ता रेडी हो चुका है. मैं आ चुका हूँ जिम. हाँ जी, जिम करके मैं पहुँच चुका हूँ कीचू को पिक करने के लिए. मुझसे हाथ भी नहीं उठाया जा रहा व्लॉगिंग के लिए. एनीवे चलते हैं, अब थक गया मैं. Keechu and Papa are back. अब जब आ चुका है घर, खोलो थोड़ा और ताकत लगा. यार आदत ही छूट गई है व्लॉगिंग करने की. 1:30 बजे जाके याद आता कि अरे आज फ़ोन ही नहीं उठाया, कैमरा ही नहीं उठाया व्लॉग करने के लिए. अब जाके कैमरा उठाया. मैं क्या ही बताऊँ, अभी नाश्ता वाश्ता हो चुका है. दिव्या कुछ लेके आई थी, उसने बना के वो दिया. और सुबह सुबह दिव्या उस कीचू को छोड़ के आ चुकी है. नाश्ता हम कर चुके हैं, थोड़ी देर बैठ के सबने टीवी देखा और मैं अभी आ चुका हूँ अपने रूम में कॉल्स करने के लिए. ये है मेरा सेटअप जो कि आप जानते ही हैं. एनीवे अभी इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ है नहीं बताने के लिए. और हाँ, ये जो मैंने लगाया था ना एक फोम, गर्मी की वजह से निकल गई है सारी. मतलब इसका जो स्टिकीनेस कम हो गई है.
निंजा टेक्निक मिली है दाग हटाने की। मैं तो बहुत सालों से हटाता हूँ इससे के दूध से परफ्यूम का दाग पड़ जाता है कभी या ऑयल स्टेन। वार्म वाटर और शुगर है, वार्म मिल्क एंड शुगर। मैं सोच रहा हूँ वाटर वाइट कब से लग गया। और यहाँ पे दिव्य मैडम बना रही हैं कुछ थाई फूड, बहुत ही उनका भी फेवरेट और मेरे को भी बहुत पसंद है ये पर्टिकुलर डिश। मेरे बाल कट चुके हैं, जो मेरा रेगुलर बंदा है वो था नहीं आज, तो किसी और से कटवाया था। थोड़ा सा हार्ट डिफरेंट था उस बंदे का, तो वैसे ब्लेंड नहीं किया उसने जिस तरह से मेरा पुराना वाला बार्बर करता था। बट एनीवे फ़िलहाल बाल कटा के मैं पहुंच चुका हूं खी चुकी है नर्सरी के पास उसको पिक करने के लिए। इट्स दादीज बर्थडे। Namaste. And let's sing happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Dadi Ma. Happy birthday to you. Thank you. November, December, these are the months of the year. Very good. Adi ko suna rahe. Sabko Adi ko suna rahe. Okay, and days of the week. Days of the week. There's Monday and there's Tuesday, there's Friday, there's Wednesday and there's Thursday. Very good. And now Om Namah Shivaya also three times. Om Namah Shivaya. Dadu emotional ho gaye already. Hold your hands like this. So. Om Namah Shivaya, come on. One time you've said, now two more times. Dadu will be very happy, okay? It's his birthday. Om Namah Shivaya. Very good. Thank you, Dadu. Thank you, Dadu. फिलहाल हो रही है किचन में डिनर की तैयारी। नूडल्स, वीट नूडल्स टाइप कुछ बन रहा है। तो शाम को दिव्या ने दो केक्स भिजवा दिए थे मॉम और डैड के लिए और वो केक कटिंग होने वाली है अब। पहले पापा को कर दो। आप ना आप लोग काटो। मॉम डैड का वीज़ा भी हम लोग काफ़ी देर से मतलब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सीज़न में मुझे लग नहीं रहा वो लोग आ पाएंगे, क्योंकि पहली बात तो अभी विंटर्स आने वाले हैं तो वो वैसे ही विंटर्स में आने में इंटरेस्टेड नहीं है। और वीज़ा में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि अभी तक जैसे भैया भाभी आए हैं, मम्मी आई हैं दिव्या की और मासी, तो उनके ऑलरेडी यूके के वीज़ा मतलब पहली बार वो ट्रैवल नहीं कर रहे, बट मेरे मॉम डैड यूके पहली बार आएंगे तो वीज़ा प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन वो सब चीज़ें, तो वो करते करते ऐसा फेज़ आ गया कि उन्होंने बोला कि हम अभी चाह ही नहीं रहे कि हम विंटर्स में आए, क्योंकि वो लंबा आना चाहते हैं थोड़ा, ऐसा नहीं है कि 15-20 दिन के लिए एक महीने के लिए, तो बोल रहे हैं फिर विंटर्स आ जाएंगी बर्फ़ वर्फ में हमें दिक्कत हो सकती है। तो अभी फ़िलहाल कल जो ये बात हुई हमारी मॉम डैड से वो ये थी, क्योंकि मम्मी का बर्थडे था कल, तो वो बोल रहे थे कि बेटा हम ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं अगर हम मार्च या फेब में आए, तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर तब तक अगर हम यहाँ हुए तो फिर तब का बना लेंगे प्लान। एनीवे फ़िलहाल नाश्ते वास्ते की तैयारी करते हैं। और आज ना मैंने एक यहाँ पर कोई नया स्टार्टअप है उससे पूरे हफ्ते के मील्स मंगवाए हैं,
प्रोटीन बेस्ड मील है वो सब, तो एक्साइटेड हूँ कि वो आने वाले हैं, तो मैं ट्राई करूँगा एक बार. व्हाट आर वी मेकिंग अभी? पैनकेक. पैनकेक डे. It's a pancake day? Yeah. Yeah, it's Saturday. And it's been so long since you've had pancakes. Yeah. Mama and Avi are making wheat pancakes. Yummy pancakes. Yummy, yummy. I don't like wheat pancakes. I like good pancakes. Yeah. Kichu ka aaj din hai pancakes khane ka. Toh bahut excited hai. Oh, yummy. Mama, look what I'm doing. Look. काट के खा रहा है ना उससे. I'm eating the whole bit. Bread खत्म हो गया घर में. Bread लेने आया हूँ. अरे बारिश क्यों हो रही है समझ में नहीं आ रहा. ये आ चुका है 10 दिन के, इसमें वो है न्यूट्रिशियस फूड पैकेजेस, तो रोज़ आप दो खा सकते हो दिन के. तो मैंने ट्राई करना था, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे को इंस्टाग्राम पे इसका ऐड आया था, तो आई वाज लाइक कि ये कैसे हो सकता है, और ये लंदन में मतलब यूके में सर्विस शुरू हुई है, तो आई थॉट कि एक बार ट्राई करना तो बनता है. तो आई थिंक एक हफ्ते का कुछ £60 है, £60 पर वीक, जिसमें आपको दिन के दो मील्स होते हैं, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल. तो देखते हैं अभी इसको खोल के इसकी पैकेजिंग कैसे और कैसा टेस्ट है बाद में बताऊंगा. ये हैं सारे मील्स, ये पीछे डब्बे के अंदर बर्फ़ डाली हुई है ताकि खाना ख़राब ना हो. ये पूरे 5-10 दिन का खाना, 5 दिन का न्यूट्रिशियस फूड मतलब कैलोरी काउंटेड रख दिया गया फ्रिज में डेट वाइज. ये सारे फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, तो इनकी ना शेल्फ लाइफ 3-4 दिन की होती है सिर्फ. यहाँ पे हो रही है हमारे नाश्ते की तैयारी, एग मेल सैंडविच मास्टर शेफ. आज हो चुका है सैटरडे और हम जा रहे हैं बर्मिंघम. मैं और दिव्या जाने वाले हैं स्त्री देखने के लिए, और अभी को हम ड्रॉप करेंगे आर्यन के वहाँ पे. उसने खुद ही बोला कि यार आप लोग फिल्म देखाओ, कीचू को हमारे पास छोड़ दो घर पे. तो अभी जा रहे हैं हम, उनको कीचू भाई को पहले ड्रॉप करेंगे, फिर 4 बजे का शो है स्त्री. उसकी चर्चा बहुत सुनी और वैसे भी मेरे को पार्ट 1 उसका बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा पार्ट 2 तो देखना ही देखना है. हेलो एवरीवन. मॉक कर रहा है तेरे को. थैंक्स. तो हम लोग जा रहे हैं अभी आर्यन के पास बर्मिंघम, वहाँ पे हम इसको छोड़ने वाले हैं किचू को, और हम लोग आगे जाएंगे मूवी देखने स्त्री 2. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं भी अब मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, जब हो चुका है एकदम से, क्योंकि प्लान बना है हमारा था कि कल मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा होगा, बट कुछ कुछ चेंज हुआ और हमें लगा कि आज ही चलते हैं. और अब घर की सफाई वगैरह भी करनी है, पीछे से गैराज वगैरह अच्छे से साफ करना है. तो हमने सोचा आज इज़ द आइडियल डे टू गो, और फटाफट जो हमको मिला शो, एक 4 बजे का था, एक 8 बजे का. 8 बजे के लिए हमें लग रहा था कि जो बहुत ही स्लीपी हो जाएगा और गाड़ी में सो के फिर घर पहुँचेंगे, जब तक तब तक तो उठ जाएगा वो. तो हमने सोचा कि अब फटाफट करते हैं और 4 बजे वाला ही पकड़ लेते हैं. तो बस हम निकल चुके हैं और 40 मिनट दूर है अभी हम उस जगह से, और छोड़ते ही फिर हम भागेंगे और फिर आपको रिव्यू देंगे स्त्री 2 का. आई एम श्योर आप लोगों ने तो देख ही ली होगी, हम ही तो सबसे लेट है. श्योर हूं कि बहुत जबरदस्त होगी फिल्म. मुझे ना और वो श्रद्धा कॉम्बो इतना परफेक्ट है ना वो. और मुझे लग रहा है हमने पहली वाली बॉम्बे में देखी थी, याद है थिएटर में सुरभिताई तुमने मैंने हम सबने शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, स्त्री 1 साथ में देखी थी. और रात का ही टाइम था, आई थिंक अनुभव भी था. और अब हम स्त्री 2 देखने वाले हैं. मौसम का हाल कुछ ऐसा है, बादल ही बादल, बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश.